जय हिंद। नमस्कार दोस्तों, मैं विराट चौधरी, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल कमांडो अकेडमी में। दोस्तों आज का ये वीडियो स्पेशली मैं बना रहा हूँ कि अगर आपका SSGD में नंबर आ जाए तो सबसे पहले क्या करना है, और जिनका नहीं आया मेरे दोस्तों का, उनके लिए भी ये वीडियो है। आज मैं कुछ लाइनें आपको सुनाने वाला हूँ, इससे पहले मैं कभी नहीं सुनाया हूँ। आज आपको कुछ लाइनें सुनाने वाला हूँ दोनों के लिए, जिनका नंबर आ गया हो या आ रहा है, जिनका जो फेल हो जाते हैं या रह जाते हैं या रह गए, उन सभी के लिए। तो दोस्तों कुछ ये लाइनें हैं, इसको आप सुनिए ध्यान से, आपने पहले सुनी होगी, आज वापस मैं रिपीट करके आपको सुना देता हूँ कि आरंभ है प्रचंड बोल मस्तकों के झंड, आज जंग की घड़ी की तुम गुहार दो, आन बान शान हो या जान का हो दान, आज एक धनुष के बाण पे उतार दो, विश्व की पुकार है या भागवत का सार है, कि युद्ध ही तो वीर का प्रमाण है, गौरवों की भीड़ हो या पांडवों की नीड हो, जो लड़ सका वही तो महान है। यानी आप यहाँ तक पहुँचे हो, अगर आपने इतनी लड़ाई की है तो मतलब इसका मतलब है कि यू आर ए मैन, आप में कोई कमी नहीं है, आप यहाँ तक पहुँचे बहुत बड़ी बात है। कि जीत की हवस नहीं, किसी पे कोई वश नहीं, क्या जिंदगी है ठोकरों पे मार दो, मौत अंत है नहीं तो मौत से भी क्यों डरे, ये जागे आसमान में दहाड़ दो, कि जीत की हवस नहीं, किसी पे कोई वश नहीं, क्या जिंदगी है ठोकरों पे मार दो, मौत अंत है नहीं तो मौत से भी क्यों डरे, ये जाके आसमान में दहाड़ दो। यानी कि ये अंत नहीं है, ये शुरुआत है। जीत की कोई हवस नहीं, जो जीता है, जो हार कर जीता है वही बाजीगर है। उसी प्रकार दोस्तों जिनके नंबर आ गया है तो वो भी लड़ें, और जिनका नहीं आया वो भी लड़ें। तो सबसे बड़ी बात क्या है कि जो लड़ सका वही तो महान है। यानी जो लड़ा है, जो घर पे बैठा है, जिसने पेपर ही नहीं दिए, जिन्होंने तैयारी नहीं की, वो क्या हार मानेंगे, वो तो हारे हुए इंसान है। आप यहाँ तक पहुँचे हो इसका मतलब देखो, मैंने कल भी बताया था कि एक सिक्का उछालेंगे तो एक साइड हेड और एक साइड टेल आना ही आना है, तो ये तो जीवन की वास्तविकता है। लेकिन घबराना नहीं है जीवन में कभी, कि मौत अंत है नहीं तो मौत से भी क्यों डरे, जब मौत ही अंत नहीं है इंसान की। कहते हैं कि जब मर जाता है तो उसकी आत्मा जिंदी रहती है, तो वो भी मतलब इंसान का अंत है ही नहीं कभी। तो जब अंत नहीं है तो डरना क्या जीवन में, कि मौत अंत है नहीं तो मौत से भी क्यों डरे, ये जाके आसमान में दहाड़ दो, आरंभ है प्रचंड बोल मस्तकों के झुंड, आज जंग की घड़ी की तुम गुहार दो, आन बान शान हो या जान का हो दान, आज एक धनुष के बाण पे उतार दो। तो आपकी यही फीलिंग है आज ही। लेकिन दोस्तों इस बात से आप कभी घबराना नहीं कि SSGD के रिजल्ट में आप रहे हो या आ गए हो, ठीक है, कि मौत अंत है नहीं। जब मौत ही अंत नहीं है इंसान का, तो ये SSGD आपका अंत नहीं हो सकती, ठीक है। जीवन में प्रयास करते रहना, आगे बढ़ते रहना, ये इंसान की फितरत होनी चाहिए। आगे बार बार जीवन को अपने आप को चैलेंज करना है, अपनी किस्मत को चैलेंज करना है, अपने जो गरीबी उसको चैलेंज करना है, अपनी जो स्थिति इसको चैलेंज करना है, इंसान को फेस करना है इसको, ठीक है। आपको इस पर किस्मत को लेकर बैठना नहीं है, रोके नहीं बैठना। मैंने पहले भी वीडियो बनाया था कि आपको मैं इतना खुश लग रहा हूँ या इस जगह लग रहा हूँ। कुछ लोग मेरे को बोल रहे हैं कि सर आप बोल रहे हो कि चिंता ना करें, हमारा नंबर नहीं आएगा तो हमको ही पता हमारे दिल पर क्या गुजरेगी। नहीं, आपको नहीं पता, हमको भी पता है, हम भी रहे हैं दो दो तीन तीन भर्ती में, और जिस दिन रहे ना उस दिन हमारे पास में भी पैसे नहीं थे, कोचिंग जाने के किराए नहीं थे, कोचिंग में जाने के किराए भी नहीं थे, उस समय रहे हम भी, कोचिंग फीस के लिए भी कर्जा करके मतलब फीस भरी है और तब कोचिंग किए हैं। तो ये स्थिति शुरू से सभी की सेम नहीं है, लेकिन उसे डटे नहीं, हम रुके नहीं, कोई बात नहीं, नहीं आया नंबर, फिर थोड़े से दिनों में हम इतने पढ़े के पढ़ाने लग गए तो स्थिति बदलने लगी और आपके सामने ही। तो कभी अपनी किस्मत पे, अपनी स्थिति पे, अपने माँ बाप की स्थिति पे या अपनी खुद की गरीबी पे कभी नहीं शर्माना दोस्तों, कभी किस्मत लेके नहीं बैठना, ठीक है। जो लड़ा है मरा है, कटा है जीता है, तो लड़ते रहना किस्मत से, जिंदगी उसी की होती है जो लड़ते रहता है। जो हार मान के बैठ जाता है उसका कुछ नहीं होता, लड़ना हमेशा ज़िंदगी में लड़ना है, शेर की तरह बनो, हमेशा लड़ते रहो। अब जिनका नंबर आ जाता है उनको क्या करना, मैं एक बार पहले वीडियो बना चुका हूँ, अब और बनाता हूँ। सबसे पहले नंबर आ जाए तो अपने माँ बाप के पैर छूना, उनको खुशखबरी देना, बधाई देना। उसके बाद में आज मैं टेलीग्राम ग्रुप जो मेरे जुड़ रखे हैं दोस्त, अगर नहीं जुड़ रखे हैं तो जुड़ जाओ, टेलीग्राम ग्रुप पे कुछ ऐसे वीडियो भेजने वाला हूं जिनको स्टेटस पे लगाना है। उसके बाद में अपनी फेसबुक प्रोफाइल पे जो मेरा वो वीडियो आपने देखा भी होगा, इफ़ यू थिंक यू आर बैड आई एम योर डैड, ठीक है। तो ये आज आपके लिए बिल्कुल बराबर सूट करेगा, तो वो वीडियो, एक दो और वीडियो है मोटिवेशनल और एटीट्यूड वाले, तो वो मैं टेलीग्राम ग्रुप पे सेंड करूँगा, आप जाके डाउनलोड करके अपने स्टेटस में जरूर लगाएं, अपने इंस्टाग्राम स्टोरी, कहीं पे भी आपका जहाँ दिल करे वहाँ पर
ज़रूर लगाइए दोस्तों। उसके बाद में फिर आपको वेट करना है कि जब आपके डिपार्टमेंट अलॉट होंगे उनका, कि आपके कौन कौन सा डिपार्टमेंट मिला है, फिर उसके बाद में आप ज़रूर मेरे से कनेक्ट करना। अगर आपको कोई परेशानी हो उस डिपार्टमेंट में या उससे संबंधित कुछ जानकारी चाहिए तो ज़रूर मेरे से कनेक्ट करना। फिर उसके बाद में आपका ज्वाइनिंग लेटर का इंतज़ार करना ही है और कुछ नहीं करना, बस मस्त रहना। डॉक्यूमेंट्स कब क्या बनाना है इसके बारे में आगे एक वीडियो बनाऊंगा, उसमें मैं आपको पूरा समझा दूंगा। जब आपका ज्वाइनिंग लेटर आएगा तब आपको पूरा समझा दूंगा कि क्या क्या करना है, कैसे कैसे करना। ठीक है दोस्तों, जय हिंद, जय भारत। और जो आपके दोस्त हैं जिन रह जाते हैं उनको मोटिवेट करते रहना, ठीक है। उनको अपनी खुशी के चक्कर में उनका दुख मत भूल जाना, ठीक है। तो उनको भी मोटिवेट करना, उनको भी साथ रखना, उनको डीमोटिवेट नहीं होने देना दोस्तों, ठीक है। जय हिंद, जय भारत।